ऐसे तो ट्रेडिशनल मोदक हम सभी बनाते ही हैं, मगर एक तरह का मोदक बनाने से अच्छा है कि रोज एक अलग फ्लेवर का मोदक बनाया जाए और उसका भोग चढ़ाया जाए, जिसे बनाने में ना तो ज्यादा समय लगे और ना ही ज्यादा मेहनत। तो आज मैं आपको कच्चे चावल का दानेदार मोदक बताऊंगी। ये झटपट और आसानी से बनने वाला मोदक है और ये कम से कम इंग्रेडिएंट में बनता है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। आज मैं आपको चावल से बहुत ही बढ़िया मोदक की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना एक कप चावल लिया है। आपके पास जो भी क्वालिटी का चावल है ना, आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल चावल बनाने के लिए हम चावल को वॉश करके लेते हैं, वैसे ही इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो भी गंदगी है, डर्ट है, वो सारी निकल जानी चाहिए। चावल को मैंने 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर ना मैंने इसे इस तरह से छलनी में रखा है, वो इसलिए कि इसके अंदर जो भी पानी रहेगा ना वो सारा निकल जाना चाहिए। 5 मिनट हो गए हैं, चावल को अभी हमें सूखा कर लेना है। यहाँ पे मैं इस तरह का कॉटन का कपड़ा डालूं। अगर आपके यहाँ पे अच्छी कड़क धूप आ रही है तो आप इसे धूप में सुखा दे। आप सेम प्रोसेस आप फैन के नीचे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है, कॉटन का कपड़ा जो है ना, इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो सोख लेगा और धूप की वजह से ये जल्दी से सूख भी जाएगा। फैन के नीचे रख रहे हैं, फैन को जरा तेज भी रखिएगा कि आपका जो चावल है जल्दी से सूख जाए। तो 10 से 15 मिनट में ये चावल अच्छे से सूख जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जितनी नमी है ना, पानी है ना, बस वो निकल जानी चाहिए। 15 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं कि चावल के अंदर जितना भी पानी था सारा निकल गया है, सूख गया है। तो यहाँ पे चावल तो सूखे रेडी हो गए, तो चलिए फटाफट मोदक बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने इस तरह का एक पैन चढ़ाया है और ये जो हमने चावल सुखाए थे ना, इन चावल को हम इस पैन में डाल देंगे। आंच को जो है हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और एक 2 से 3 मिनट के लिए ना इसे लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब ये इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं, आप सोचोगे कि ऑलरेडी हमने इसे धूप में सुखाया था या फैन के नीचे सुखाया था, तो ये करने की क्या जरूरत है। इससे होगा ये कि इसके अंदर थोड़ी बहुत जो भी नमी बची होगी पानी की, वो सारी निकल जाएगी, ये अच्छे से और ड्राई हो जाएंगे। तो देखिए बातों बातों में 2 से 3 मिनट भी हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो चावल है हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बहुत ज्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, वरना पूरा कलर चेंज हो जाएगा। आप क्या कर देते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और हल्का ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, हम इसके लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। यहाँ पे मेरे पास लगभग 2 बड़े चम्मच काजू है। अगर इस तरह से देखेंगे, पीस में काउंट करेंगे तो 20 से 25 काजू होंगे। अब इसी में मैं 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे गीले नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे मेरे पास गुड़ का पाउडर है। तो इस तरह का गुड़ का पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नॉर्मल जो चिक्की वाला गुड़ होता है, थोड़ा चिपचिपा वाला होता है, अगर वो भी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच ये भी डाल देते हैं और करना कुछ नहीं, अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है और ये इस तरह का पाउडर बन के रेडी हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें एकदम पाउडर फॉर्म में है, ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पाउडर वाला गुड़ इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से ऐसे। बट अगर आप चिक्की वाला गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो वो चिपचिपा रहता है, तो यहाँ पे आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, वो अच्छे से बाइंड कर लेगा। तो बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे करने वाली हूँ कि 1 छोटा चम्मच मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अगर आप गुड़ नहीं मिलाना चाहते हैं, नॉर्मल चीनी भी डालोगे तभी ये बाइंड नहीं होगा, इस तरह का पाउडर फॉर्म में ही रहेगा। अगर आपके पास डेट्स है, यानी कि खजूर है, गीले खजूर जो होते हैं काले कलर के, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी बाइंडिंग का काम करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह का चिपचिपा टेक्सचर हमें चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप चिपचिपा गुड़ भी डालोगे तो इसी तरह का वो टेक्सचर बन जाएगा। तो स्टफिंग बन के रेडी है, इसे हम साइड में रखते हैं और चावल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम मिक्सी का जार लिया था जिसमें हमने काजू सब पीसा था। तो ये जो चावल है वो भी ठंडे हो चुके हैं, इसे इसमें डाल देते हैं और चावल को भी पीस लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि चावल को मैंने इस तरह से पीस कर रेडी कर लिया है। तो गैस पे मैंने यहाँ पे सेम पैन चढ़ाया है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। आज को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है और हमने जो ये पाउडर पीस के रेडी कर लिया है चावल का, वो जो चावल का आटा है वो इसमें डाल देते हैं और घी के साथ इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से लगातार चलाते हुए भुनेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये तो चावल का आटा ही है, तो इतना सारा प्रोसेस हमें करने की क्या जरूरत है, इतना धोने का, सुखाने का, फिर भुनने का, फिर पीसने का। तो इसमें ना काफी फर्क है। नॉर्मली मार्केट में जो चावल का आटा मिलता है, आपने देखा होगा, काफी बारीक पीसा हुआ होता है, तो उसका जो मोदक बनेगा ना वो सिंपल लगेगा आटे आटे की तरह। बट इस तरह से आप सारा प्रोसेस जब करते हो तो उससे क्या होता है, आपका जो मोदक है ना एकदम दानेदार बनता है। तो अगर आपको दानेदार मोदक चाहिए तो आप इस तरह से बनाएं। दानेदार वाला नहीं, आपको नॉर्मल भी चलेगा,
तो आप यहाँ पे इतना सारा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो देखिए अब ये चावल जो है हमने अच्छे से घी में भून लिए हैं। अब हम आंच को थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं। इसमें हम 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। मोदक बना रहे हैं तो मोदक में अगर नारियल ना रहा तो क्या मजा आएगा। साथ ही में मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर डालू। मूंगफली को हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था और फिर मैंने उसे ग्राइंड करके ले लिया है। यहाँ पे मूंगफली नहीं है तो आप यहाँ पे बादाम, काजू, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है उसका पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही में हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और इन सारी चीजों को और 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। अभी हमारा मिक्सर गर्म है तो ऐसे इसी तरह का जब मिक्सर गर्म हो तभी हम सारा प्रोसेस करेंगे। बहुत ज्यादा ये गर्म नहीं है, हल्का वार्म है कि आप आसानी से इसे छू सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 1 कप पीसी हुई चीनी ली है। नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह का पाउडर बना लिया है। ऐसे मार्केट में भी पीसी हुई चीनी मिल जाती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट गुड़ से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मीठापन आप अपने पसंद अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। थोड़ा 3 बड़े चम्मच में लगभग घी डाल रही हूँ इसमें और इसे घी के साथ मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी आप देख सकते हैं कि मिक्सर जो है बिल्कुल इस तरह से बाइंड हो रहा है और डो की तरह बन गया है। तो मोदक बनाने के लिए मेरे पास इस तरह का मोल्ड है। ऐसे तो मार्केट में इस तरह का प्लास्टिक का मोल्ड भी मिलता है, स्मॉल साइज में लो तो 10-20 रुपए में मिल जाता है, बहुत ही सस्ता रहता है। तो सबसे पहले ये जो मोल्ड है इसे हम हल्का घी लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ पे पानी भी लगा सकते हैं या फिर दूध भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आटा बना के रखा है इसे हम इसमें डालेंगे और इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए बीच में जगह कर लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है वो ले लेते हैं। अब हम इसके अंदर से डाल देते हैं, थोड़ा सा दूसरा वाला जो आटा है वो लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और इसे सील कर लेंगे जिससे कि अंदर की स्टफिंग बाहर ना आए। एक्स्ट्रा जो भी बैटर है निकाल देते हैं और देखिए अब हम इसे खोलते हैं। है ना, दिखते ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना दानेदार बना है। हमेशा जब भी आप मोदक बनाओ तो मोल्ड को ग्रीस करना ना भूलें। ये जैसे कि मैंने कहा कि दानेदार आटा है तो नॉर्मली अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इसे नहीं बना सकते क्योंकि विदाउट मोल्ड के तो इसे शेप देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है और आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे बना लें क्योंकि आराम से बाइंड हो जाता है। तो सिंपली आप इसी तरह से इसे स्टफ करके ना इसका लड्डू बना सकते हैं। सिर्फ शेप में फर्क पड़ेगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टेस्ट वैसे के वैसे ही रहेगा, उतना ही टेस्टी और उतना ही दानेदार लगेगा। तो आपको जैसे जो पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम एक केसर के एक एक धागा भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मोदक को इस तरह से हल्का सा डेकोरेट कर लिया है कि ऊपर से मैं हल्का हल्का इस तरह से पिस्ता गार्निश करूंगी। एकदम दानेदार मोदक बना हुआ है, दिखने में जितने खूबसूरत है उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। मैं आपको इसे कट करके भी बताती हूँ कि अंदर से कैसे लग रहा है। तो देखिए अंदर से भी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।